टीवीएस का नया शोरूम अब आपके फलासिया में। भव्य शुभारंभ, कमलेश्वर टीवीएस, नवरात्रि, धनतेरसवा, दीपावली की बुकिंग शुरू, आज ही आए। कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा, कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड, फलासिया। संपर्क करें 9256499328 पर। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही भीलवाड़ा विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में स्टैंडिंग विधायक विठल शंकर अवस्थी को घोषित किया है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही वर्तमान विधायक विठल शंकर अवस्थी के आवास पर समर्थकों की भीड़ लगना शुरू हो गई और जय घोष के साथ विठल शंकर अवस्थी का उत्साह वर्धन किया और उनका स्वागत किया। इस कांग्रेस शासन काल में जिस तरह से भीलवाड़ा नगर की उपेक्षा हुई है और जिस तरह से केवल दो बजट घोषणाएं 5 साल में इन्होंने की थी, एक तो जोधड़ा पुलिया की छोटी सी घोषणा थी और एक ये अपने कोठारी नदी पे ये एक पालड़ी को जोड़ने के लिए ब्रिज की घोषणा हुई थी। दोनों घोषणाएं अधूरी पड़ी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर भी भीलवाड़ा को बिल्कुल रिक्त रखा है, बिल्कुल खाली रखा है, उससे जनता में रोष है और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बहुत भारी तरीके से सबक सिखाएगी। और पिछले चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता और जनता मिलकर इस कांग्रेस के कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके आतंक से और इनके अत्याचार से पूरी मुक्ति लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।